हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के। दोस्तों, हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं लोग विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज़ में इंगेज रहते हैं, तो आखिर ये एक्टिविटीज़ जो है इनको हम लोग किस सेक्टर में रखेंगे या किस तरह इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी में जो जितने भी एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उसको तीन क्लास में रखा गया है, या तो कह सकते हैं जो उन सभी को, तीनों को हम लोग नाम देते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो क्या क्या सेक्टर है उसके बारे में बात करेंगे, उन सेक्टर्स को और किन दूसरे नाम से जानते हैं ये भी जानेंगे, और उन सेक्टर्स में क्या क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो मैं सबसे पहले जो पहला सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का, उसके बारे में बात करता हूँ। तो जो पहला सेक्टर है दोस्तों, वो है आपका प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या है दोस्तों? तो ये वो सेक्टर है या ऐसे एक्टिविटीज़ जो नेचुरल प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं या जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, वो सभी एक्टिविटीज़ प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं। या दूसरे तरह से अगर ये कहें, जो वो सभी सेक्टर्स जो क्या कहता है नेचुरल प्रोडक्ट्स को एक्सप्लॉयट करके बनते हैं, या वैसे एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या कहते हैं प्राइमरी सेक्टर्स में इन्वॉल्व करते हैं। और जो जितने भी इस सेक्टर्स में क्या होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है और इसमें जो इस्तेमाल होता है वो नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल करके हम लोग इसमें कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद ये प्राइमरी सेक्टर्स को हम लोग आखिर प्राइमरी सेक्टर्स ही क्यों कहें? तो इसका कारण है दोस्तों, जो प्राइमरी सेक्टर्स ये सभी प्रोडक्ट के लिए बेस है, जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं उन सभी के लिए ये सेक्टर क्या है, बेस सेक्टर है, इसीलिए इसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। फिर आगे हम जब प्राइमरी सेक्टर से इसको कहते हैं तो फिर एक बात आता है जो इसको हम लोग एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर? तो उसका आंसर है, जो ये सेक्टर्स में जितने भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं मेयरली वो क्या करता है एग्रीकल्चर सेक्टर से लिया जाता है, या फिर वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जैसे कि आपका डेयरी हुआ या फिशरीज हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, ये सभी से जब हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो उन सभी सेक्टर को या वो सभी एक्टिविटीज़ जो है होते हैं जिसका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या एलाइड सेक्टर से उसका यूज़ करते हैं, तो इसलिए उसको हम लोग कभी कभी एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर भी कहते हैं। जो दूसरा बात करेंगे हम लोग, जो दूसरा सेक्टर है वो सेकेंडरी सेक्टर्स है। अब हम लोग दोस्तों आगे जो बात कर रहे हैं वो सेकेंडरी सेक्टर्स का है। दूसरा जो सेक्टर है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अब है सेकेंडरी सेक्टर। दोस्तों, ये जो सेक्टर है वो नेक्स्ट स्टेप टू प्राइमरी सेक्टर है, यानी प्राइमरी सेक्टर के बाद सेकेंडरी सेक्टर आता है। और सेकेंडरी सेक्टर्स में क्या करते हैं, हम लोग जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है उसको हम लोग मैन्युफैक्चर करके एक नए प्रोडक्ट्स में चेंज करते हैं, यानी प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो है जो हमारे प्राइमरी सेक्टर में बनते थे उसका हम लोग फॉर्म को चेंज करके, और फॉर्म को चेंज करने के लिए क्या करना होगा, हमको किसी ना किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से क्रॉस करना पड़ेगा। तो जब हम लोग किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से क्रॉस करते हुए प्राइमरी प्रोडक्ट को, उसका जो फॉर्म उसको चेंज करते हैं, तो वो हम लोग का जो प्रोडक्ट हो जाता है वो सेकेंडरी सेक्टर्स का हो जाता है। और ये जो सेक्टर है इसमें कोई ना कोई एसेंशियल मैन्युफैक्चरिंग स्टेप इन्वॉल्व होगा। उसके बाद इस सेक्टर में हम लोग फिर क्या कहते हैं, जो ये जब मैन्युफैक्चर होता है तो किसी ना किसी प्रोडक्ट से ये जुड़ा रहेगा, किसी ना किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जुड़ा रहेगा। तो जब ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जुड़ा हुआ है तो इस सेक्टर को हम लोग इसीलिए कहते हैं दूसरे नाम से भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, यानी इसमें प्रोडक्ट क्या होंगे, मैन्युफैक्चर्ड होंगे, इसीलिए इस सेक्टर का नाम भी है इंडस्ट्रियल सेक्टर। दूसरी बात, जिस तरह हम लोग प्राइमरी सेक्टर में जानते थे जो वो नेचुरल प्रोडक्ट होता था, नेचुरल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता था, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे उसको नेचर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, उसको हम लोग को खुद प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फिर इसके आगे जो तीसरा सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का, जो बहुत ही ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी में उसका आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। पहले जो इंडियन इकोनॉमी में था उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, लेकिन अभी के समय में जो तीसरा सेक्टर है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो तीसरा सेक्टर है वो अब हमारे लिए, जो तीसरा सेक्टर है वो है जो तीसरा सेक्टर जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो तीसरा सेक्टर आपका हो गया टर्सरी।
ये टर्सरी सेक्टर्स है जो आज के जीडीपी में बहुत ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी में इसका रोल है। तो ये टर्सरी सेक्टर क्या है, इस सेक्टर का दूसरा नाम से भी हम जानते हैं दोस्तों, इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं, सर्विस सेक्टर्स। सर्विस सेक्टर्स इसका दूसरा नाम क्या रहा दोस्तों, याद रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा करता है जो टर्सरी सेक्टर को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, तो सर्विस सेक्टर, या कभी ऐसा भी सवाल आता है जो सर्विस सेक्टर्स का दूसरा नाम क्या है, तो फिर टर्सरी सेक्टर। तो ये जो तीसरा सेक्टर, ये सर्विस सेक्टर हुआ, इसमें जो बाकी जो सेक्टर्स हम लोग पहले पढ़े, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, वो दोनों सेक्टर को डेवलप करने में, उस सेक्टर को आगे बढ़ाने में इस सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। ये जो टर्सरी सेक्टर है, ये सर्विस सेक्टर है, यानी ह्यूमन रिसोर्सेस को ये सर्विस देते हैं, और जितने भी सर्विस हम लोग देखते हैं, चाहे जैसे अगर मान लीजिए कोई गुड्स है, उदाहरण के लिए हम अगर ले लें राइस का एग्जांपल, तो राइस क्या है, उसको हम लोग इस्तेमाल किए, या फिर गेहूं का एग्जांपल ले लें ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए, गेहूं को लिए उस गेहूं का इस्तेमाल करेंगे, कोई मिल में लेके गए तो वो फैक्ट्री का काम कर गया, वहाँ से आटा बनेगा, वो आटा हो गया आपका क्या कहता है सेकेंडरी सेक्टर का। उसके बाद ये जो आटा बन रहा है, तो कोई ना कोई ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व है, या फिर जहाँ पे इसका पूरा फैक्ट्री है वहाँ पे कोई कैलकुलेशन के लिए इन्वॉल्व होगा, कोई मशीनरी को चलाने के लिए इन्वॉल्व होगा, कोई पूरे को मैनेज करने होगा, तो वहाँ सभी किसी ना किसी को वहाँ पे कोई ना किसी तरह जॉब रोल में इन्वॉल्व है, किसी भी प्रकार के जॉब रोल में वो इन्वॉल्व रहेंगे। तो उन सभी जॉब रोल में जो इन्वॉल्व है, तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए उस सेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, टर्सरी सेक्टर कहते हैं। तो ये सेक्टर का अभी बहुत ज़्यादा योगदान बढ़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सर्विस के ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, और सर्विस के ओर जब अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उससे ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी में बढ़ावा हो रहा है। तो अलग अलग तरीके से हम लोग क्लासीफाई करते हैं क्या कहते हैं इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स को, लेकिन ये जो सेक्टर्स है, तो इस सेक्टर को हम लोग इस आधार पे क्लासीफाई करते हैं जो कौन कौन से एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है, या किन किन एक्टिविटीज़ में लोग इंगेज हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे हम अगले वीडियो में फिर से आपको इंडियन इकोनॉमी के दूसरे पार्ट पे आपको फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।